मे प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द विनिंग और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कम्प्लीमेंट्री का मीनिंग ही क्या है, यानी कि कंप्लीट फीडिंग की तरफ। जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है वो 4 to 5 months तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या उसकी डाइट को इंक्रीज कर देना, क्योंकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसलिए हम उसके साथ साथ में उसको, क्योंकि वो पूरी उम्र तो क्या है ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड नहीं रह सकता, हम उसको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देने लग जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में, ठीक है। वीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क इन चाइल्ड्स फीडिंग शेड्यूल, यानी कि जो चिल्ड्रंस का फीडिंग शेड्यूल होता है उसके अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसको हम कुछ न कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें देने लग जाते हैं, ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि जो मदर होती है वो अब इतना मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितने बच्चे की नीड होती है, इसलिए हम उसके लिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं फीडिंग शेड्यूल में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम वीनिंग या फिर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। कम्प्लीमेंट्री वही बात है कि हम अब उसको कम्प्लीट फीड की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि वो थ्रू आउट लाइफ उन उन जैसे फूड्स को इनटेक कर सके, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 5 months 5th month ऑनवर्ड, यानी कि जो प्रोसेस होते हैं जब हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसको दूसरी चीज़ें खाने के लिए देने लग जाते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5th month से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते टाइम पे हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए वीनिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। यानी कि जब भी हम उसको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क के अलावा खाने पीने के लिए देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो क्या, जब भी हम उसको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते हैं तो वो हमें एक टाइम पे एक ही फूड देना चाहिए। जैसे अब हमने क्या बनाना शेक दे दिया उसको, ठीक है, तो इस टाइम पे हमने क्या उसको सिर्फ बनाना शेक ही देना है, वो भी सबसे कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी हमें सबसे पहले कम क्वांटिटी देना, उसके बाद हम उसको इंक्रीज करते जा सकते हैं। जैसे जैसे उसको रहेगा फूड वैसे वैसे हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना, सबसे पहली बात तो कि हमने जो भी फूड हम दे रहे हो उसको सिर्फ एक ही तरीके का हमें फूड देना, जैसे बनाना शेक दे दिया या फिर जैसे हमने कर्ड दही वगैरह जो भी हम दे रहे हैं उसको एक टाइम पे हमें एक ही चीज़ देनी है, दो दो चीज़ें हमें मिक्स करके नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें क्यों नहीं दे रहे, ताकि उसको किसी तरीके की, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी इतना प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है कि वो सभी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही चीज़ को वहाँ पे डाइजेस्ट कर पाता है, इसलिए हमें उसको क्या है एक टाइम पर एक ही चीज़ देनी चाहिए। और वही बात है फिर सेकंड में क्या, हमें सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी में उसको फूड देना चाहिए, उसके बाद हम जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ती जाती है उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते रहेंगे। उसके बाद क्या, हमने कभी भी बच्चे को फोर्सफुली कुछ भी फीड नहीं करवाना है, ये नहीं कि बच्चा नहीं खा रहा तो हम उसको फिर भी उसको खिलाए जा रहे, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसको क्या वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हमें कभी भी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा ये नहीं फूड को लाइक नहीं करता, यानी कि अब वो खाना नहीं चाहता, अब वो मतलब नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ को खाऊं, ठीक है, तो हमें उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, यानी कि उसको हमें देना नहीं चाहिए जो भी हम फूड उसको दे रहे थे। लेकिन हम उसको थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उसके नेक्स्ट फीडिंग का टाइम आता है उसके उस टाइम पर हम उसको दोबारा से खिला सकते हैं। उसके बाद क्या, जैसे जैसे बच्चे की एज इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे 4th month 5th month से क्या है 6th 7th 8th, जैसे जैसे उसकी नीड इंक्रीज होती है, उसके दांत आने लग जाते हैं, यानी कि उसके जो टीथ होते हैं वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से क्या है, हम सबसे पहले तो देखो जब तक उसके टीथ नहीं हुए होते और वो अपने टंग के अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे हमने उसको सिर्फ लिक्विड ही देना है जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं वीनिंग की। तो उसके बाद क्या, हम सेमी लिक्विड देते हैं, यानी कि जो हमारे क्या सेमी सॉलिड देते हैं, सॉरी यहाँ पे सेमी सॉलिड आएगा। सबसे पहले क्या देंगे, हम उसको लिक्विड डाइट देते हैं, उसके बाद हम सेमी सॉलिड, यानी कि वो लिक्विड भी होगी और वो वहाँ पे सॉलिड भी होती है, और उसके बाद हम सॉलिड डाइट देते हैं। सॉलिड कब देते हैं, जब उसके टीथ वहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने दांतों के द्वारा उन सॉलिड चीज़ों को चबा सकता है, तब हम उसकी वहाँ पे जो भी डाइट प्लान होता है उसके अंदर हम
उसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले लिक्विड, उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद सॉलिड, और इस तरीके से हम उसको खाने पीने के लिए चीज़ें देते रहते हैं। और उसके बाद क्या, हमें डाइट को इस तरीके से बनाना है ताकि वो एक तरीके से वहाँ पे क्या, उसकी अपीयरेंस वहाँ पे अच्छी दिखे और वो डाइट जो वो हेल्दी भी हो, ठीक है। इसलिए हम उसके जो फूड्स हैं उसमें वैरायटी ऐड करेंगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले बोला था कि एक टाइम पे हम एक ही चीज़ देंगे, ठीक है। वो क्या था कि एक टाइम पे हम एक ही चीज़ देंगे, तो हम नेक्स्ट टाइम पे, जैसे हमने क्या, फर्स्ट टाइम पे हमने उसको बनाना सेक दे दिया, तो सेकंड टाइम पे हम क्या दे सकते हैं उसको, कर्ड, ठीक है। और थर्ड टाइम पे हम उसको मैंगो सेक भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम उसकी वैरायटीज़ को वहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा एक चीज़ से वहाँ पे बोर ना हो। उसके बाद क्या, हम बच्चे के लिए वहाँ पे गुड ईटिंग हैबिट्स उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसकी, हम उसकी आदतों को बिगाड़ेंगे नहीं, हम उसको स्पाइसी चीज़ें नहीं देंगे मोस्टली, हम उसको सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही देंगे। जैसे जैसे हम बच्चों को डाइट देंगे, उसका पैटर्न बनाएंगे, वैसे ही चीज़ों को वो इनटेक करेगा। अगर हम उसको, जैसे कई बार क्या होता है, कोई होता है कि वो प्यार, मतलब बच्चों से प्यार करते, ये तो सब ही करते हैं, ठीक है, तो उनसे इस तरीके से कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ऐसी उनकी हैबिट को वहाँ पे बना देते हैं कि वो दोबारा से उन चीज़ों को नहीं खाते जो हेल्दी चीज़ें होती है, और वो बार बार दूसरी चीज़ों को ही मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनको सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही देनी है ताकि बच्चा हेल्दी रहे, ठीक है। उसके बाद क्या, हमने वही बात की यहाँ पे आगे कि हम उनको स्पाइसी और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करेंगे, ये हेल्थ के लिए वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए हम स्पाइसी और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करेंगे। और ज़्यादा ये जो स्पाइसी और फ्राइड फूड है, इनको ज़्यादा खाने से बच्चे की आदत वैसे ही बन जाती है और उसकी बैड ईटिंग हैबिट्स बन जाती हैं, इसलिए हम उसको अच्छे से अच्छी और हेल्दी चीज़ें ही देंगे। उसके बाद आता है वीनिंग फूड फॉर इन्फेंट्स। अब हम इन्फेंट्स को, यानी कि जो एक साल तक का बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उसकी वीनिंग हमने स्टार्ट कर दिया, अब उनको एक साल तक हम क्या क्या चीज़ें देंगे, ठीक है। फूड, जो फीडिंग पैटर्न है उसके अंदर हम, उस डाइट पैटर्न के अंदर हम उसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। जैसे फिफ्थ और सिक्स मंथ पे हम वीनिंग स्टार्ट कर देते, तो उस टाइम पे हम उसको क्या क्या देंगे, मैंने पहले भी बोला आपको कि हम उसको सबसे पहले लिक्विड, उसके बाद सेमी सॉलिड और उसके बाद सॉलिड चीज़ें देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको जो लिक्विड डाइट होती है वो हम उसको देंगे। फिफ्थ सिक्स मंथ पे हम उसको, जैसे कि आज जूस वगैरह उसको देंगे, और उसके अंदर हम थोड़ा बहुत शुगर और वाटर को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या, 1 to 2 टीस्पून ही उसको देंगे, जो भी हमारा जूस वगैरह है लिक्विड पैटर्न में है वो। और उसके साथ साथ में, पहले तो हमने 1 to 2 टीस्पून ही दिए, यानी कि चम्मच ही दिए, 1 से 2 चम्मच ही हम उसको इनटेक करवाते हैं, जो भी वहाँ पे हमारे पास जूस वगैरह है, ठीक है। और धीरे धीरे उसका जो भी क्वांटिटी है उसको हम इंक्रीज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली हम कितनी कर सकते हैं, 30 to 50 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या, उसको और क्या क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, ये भी हम 1 से 2 चम्मच ही देंगे, और उसके जो क्वांटिटी है उसको हम 50 ml तक इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको और क्या क्या दे सकते हैं, जैसे दाल वाटर है, राइस वाटर है, ये भी किस में है, लिक्विड में है, इनको भी हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ में जैसे कुछ सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में क्या क्या आता है, जैसे हम क्या है, जो सूजी और मिल्क होता है उसकी हम खीर बना लेंगे, और खीर बना के उसको हम 1 से 2 चम्मच देंगे, जो कि एक तरीके से फिर क्या वहाँ पे सेमी सॉलिड में आने लग जाते हैं। जैसे जैसे उसकी क्या आती है, एज इंक्रीज होती है, और उसकी जो उसकी लाइक पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा उसको पसंद करता है कि नहीं करता है, ठीक है। जैसे जैसे वो उसकी इंक्रीजमेंट होती जाती है, डेवलपमेंट होती है, उस तरीके से हम उसकी जो फूड की कंसिस्टेंसी है उसको हम इंक्रीज करते रहते हैं। पहले हम उसको लिक्विड देते हैं, उसके बाद सेमी सॉलिड पे हम आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, सिक्स टू सेवन्थ मंथ पे हम उसको क्या क्या देंगे, यहाँ पे हम उसको एग योक, ठीक है, एग योक हम उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। एग योक भी हम 1 से 2 चम्मच ही देंगे, और उसके बाद हम उसको एक जो एग का योक होता है उसको हम, योक होता है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हम और क्या दे सकते हैं, मतलब कि जो नेक्स्ट डाइट होती है उसमें हम उसको कुछ बॉइल्ड या फिर मैशअप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी दे सकते हैं। मैशअप वेजिटेबल्स क्या होते हैं, यानी जो हमने बिल्कुल क्या है वहाँ पे चूर चूर कर रखे हैं और उसको मैश कर रखा है, अच्छे से मिला रखा है, ठीक है, उसको सेमी सॉलिड
जो कंसिस्टेंसी है उसमें हमने मिला दिया, ठीक है, वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम सबसे पहले तो स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद आता है सेवन्थ एट्थ मंथ पे हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेवन्थ एट्थ मंथ पे हम उसको जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उनको कुक यानी कि पका कर हम उसको देने लग जाते हैं। जैसे दाल, खिचड़ी, ये इनके जो फॉर्म होती है वो सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। पहले हम वही है स्मॉल क्वांटिटी में देंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद आता है टेंथ टू ट्वेल्थ मंथ। अब नॉर्मल सी बात है कि जो बच्चा होता है उसके टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम उसको क्या है सिर्फ लिक्विड या फिर सिर्फ सेमी सॉलिड को छोड़ के हम उसको सॉलिड भी चीज़ें भी देने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम उसको पूरा पूरा एक एग दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और चपाती भी देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेमी सॉलिड से हम सॉलिड की तरफ उसको देने लग जाते हैं, यानी कि जो उसके कंसिस्टेंसी होती है या फिर उसकी फॉर्म होती है फूड की, वो हम उसको लिक्विड, लिक्विड से फिर क्या सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से सॉलिड देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ यहाँ पे पैटर्न जो हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि डाइट के पैटर्न्स हैं।